खबर। नमस्कार, पीपीटी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के महानगर अलीगढ़ से है। यहाँ आज ताज हॉस्पिटल केला नगर सिविल लाइन में एम फाउंडेशन की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडर प्रेसिडेंट शमशुर रहमान की तरफ से लोगों को पढ़ाई के बारे में बताया गया कि जिंदगी में पढ़ाई की क्या अहमियत है और कितनी ज़रूरी है। एम फाउंडेशन में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन बच्चों को फ्री दाखिला और कोर्स दिया जाता है। इस सेमिनार में पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्ला साहब समाजवादी पार्टी से विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को कोर्स बांटे। उनके साथ ताज हॉस्पिटल के डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी और इंजीनियर इजहार अली साहब मौजूद थे। इस सेमिनार में लगभग 100 के लगभग छात्र छात्राएं मौजूद थे। सभी छात्र छात्राओं ने हाजी जमीर उल्ला साहब का तालियां बजाकर स्वागत किया तथा इसमें हाजी जमीर उल्ला साहब ने 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हर साल उठाने का वादा किया। यदि इसी प्रकार लोग हम एम फाउंडेशन के संयोग में खड़े रहे तो बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उठाते रहे तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हम अपने शहर अपने देश बगैर पढ़े लिखे लोगों की तादाद को कम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा देश शिक्षित होगा और देश उन्नति करके आगे बढ़ेगा। इन सभी मेहमानों के साथ इस मौके पर मौजूद मोहम्मद राशिद खान, मोहम्मद अकरम खान, जमाल खान, दिलशाद सैफी साहब एवं आदि साथी मौजूद रहे। आइए देखते हैं कि क्या कह रहे हैं फाउंडेशन से जुड़े लोग और पूर्व विधायक जमीर उल्ला साहब। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। और मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा हरी जी कि एम फाउंडेशन जो हमने शुरू की है, डॉक्टर साहब को मालूम है इसके बारे में कि ये गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, जो बच्चों के माँ बाप या किसी मजबूरी के तहत पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो एम फाउंडेशन ने ऐसे बच्चों का शहर से और सिविल लाइन दोनों जगह से, हमारे पास शाहजमान, भोजपुरा, महबूब नगर तक के बच्चे रंगोड़ना है, काफी लोग यहाँ आए भी है, तो उन तमाम बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला शुरू करना फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं, उन बच्चों की सलाहियतों को हम महसूस करें, उनसे इंटरेक्ट करें, उनकी काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करने के बाद जब हमें मालूम होगा कि वो बच्चे अपने आप में क्या खूबी रखते हैं, उसको हम उजागर करेंगे अपने सरकारी चैनल पर भी और उनको पढ़ाने के लिए जो उनकी ख्वाहिश है उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये सिलसिला फिलहाल एम फाउंडेशन शुरू किया है और अलहमदुल्ला इसमें हमारे शहर के थोड़े से लोग जुड़े हैं और धीरे धीरे इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। आप जैसे लोगों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह हम अपने शहर से पढ़े लिखे लोगों की तादाद को बढ़ाने में और गैर पढ़े लिखे लोगों की तादाद खत्म करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इधर साहब तशरीफ रखते हैं। इधर साहब बहुत सफी आदमी है, रिटायर्ड इंजीनियर है, दुनिया भर में आपने काम किया है, कई जगह पर कई है, ये तमाम तरह की सपोर्ट हमको यहाँ से मिली है। अब अपनी लंबी बातों खत्म करते हुए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूंगा कि हाजी जी बच्चों के कुछ कोर्सेज है वो अपने हाथों से तकसीम करें। इंसानी खिदमत में कभी उन्हें कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया, दिल दाब मतलब अपने पूरी ताकत के साथ हमारे शासन प्रशासन से मतलब कहने का हमारे हुकूक के लिए लड़े हैं। इनकी ताकत को मैं जानता हूँ, बहुत ही दिलवाले और बहुत ही मतलब हिम्मत वाले इंसान है। आज देखिए आपके बीच में आए किताबें बांटने के लिए, इसलिए आया है यहाँ पे जिससे कि बच्चे पढ़ सके, उनको डिग्री मिल सके, कुछ ना कुछ कागज तो हो, अगर बाहर जाएंगे तो हाई स्कूल इंटर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए भाई, नहीं तो उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखिए आपको डिग्री मिलेगी और हमारे भाई साहब जो ये एम्स फाउंडेशन है ये कितना अच्छा काम कर रही है। अभी मुझे पता लगा कि ये यहाँ पे टीवी चैनल चला रहे हैं, चैनल पूरे पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, यहाँ की आवाज हमारी आवाज बनकर पूरे हिंदुस्तान में जाएगी, है ना। और उसके साथ में इनका मैंने देखा एक पुरानिक सेंटर खोल रहे हैं यहाँ पे अलीगढ़ के अंदर, पुरानिक सेंटर। और साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो अलीगढ़ में ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी सब सूरत है और इस जगह कर रहे हैं, इन लोगों में कर रहे हैं, इसकी बहुत सब सूरत है। बिना तालीम के हम लोग और बरसों से हम लोग अंधे हैं
और तालीम जब हासिल हो जाती है तो इंसान का बोलने बोलने का तरीका अच्छा हो जाता है, बैठने का तरीका अच्छा हो जाता है। बिना तालीम के ना अच्छी बेटी हो सकती है और ना अच्छी बहू हो सकती है बिना तालीम के। इसलिए तालीम बहुत सख्त जरूरत है और वो जो काम कर रहे हैं, मैं इसलिए उनको शमशम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आप वो काम कर रहे हैं। बाकी जिसकी जरूरत है, हम लोगों को जिस डॉक्टर साहब ने कहा, ज्यादा डॉक्टर साहब ने तारीफ कर दी, हम इस लायक नहीं है जो हम शम्स साहब का मुकाबला कर सकते। बिल्कुल ये बिल्कुल सच्चाई है, इनको कुछ नहीं चाहिए। इनको हमारा तो एक बेनिफिट भी ये है कि हमारा एक लालच है, एक हमारी काम करने में एक लालच लगा हुआ है कि हमारा वोट का लालच है, लेकिन इनको तो बेचारा को वोट की भी लालच नहीं है। तो इसलिए हमसे ऊपर ये है, हम इनके बाद हैं, हमसे ऊपर ये है। और ये काम नहीं है।